करना के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें सूरजपुर में क्वारंटाइन मजदूर पाए गए पॉजिटिव। छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 43 पर पहुंच गया है। कोरोना के 36 मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 7 पर है, यानी कि 7 मरीज जो हैं वो एक्टिव केसेज की संख्या में है, उनका इलाज चल रहा है। तो 43 पर पहुंच चुकी है संख्या, जिसमें 36 अपने घर लौटकर जा चुके हैं, जिसमें से शेष जो 7 मरीज हैं वो एक्टिव केस की संख्या में है, यानी कि उनका इलाज अब भी चल रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ थोड़ा सा बता, सुप्रिया पांडे फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। सुप्रिया, छत्तीसगढ़ में मौजूदा वक्त में 7 एक्टिव केस हैं, इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से मुस्तैद नजर आ रहा है? प्रशासन तो बिल्कुल इस मामले को लेकर के जो है अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कल ही जो है सूरजपुर में 3 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए थे, और ये आश्रित केंद्र के मजदूर नहीं है बल्कि मजदूरों के देखभाल में तैनात किए गए सरकारी कर्मचारी हैं। इसमें पुलिस कर्मी, हॉस्टल स्टाफ और रसोईया शामिल है। तो इन तीनों को इलाज के लिए रायपुर एम्स रेफर कर दिया गया है, और सूरजपुर में मरीजों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। तो वहीं रायपुर में भी एक मरीज है जो नर्सिंग डॉक्टर जो कुछ दिनों पहले कोरोना की चपेट में आया था, उन समेत 7 मरीज जो है जिनका इलाज एम्स में चल रहा है। और आपको ये भी बताना चाहिए कि सूरजपुर में कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद से रोगियों के राहत शिविरों में ठहरे मरीजों को आधी रात को आनंद फानंद से बॉर्डर तक छोड़ दिया गया है, क्योंकि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो छत्तीसगढ़ में और जो है मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा होता रहेगा। इसे ध्यान में रखते हुए इस तरह का जो फैसला है वो भी लिया गया है। सुप्रिया, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास वापस आएंगे।